आज दुनिया के सभी देशों में स्मोकिंग करना आम बात हो गई है, और इंडिया जैसे देश में तो ज्यादातर युवा सिर्फ दिखावे के लिए स्मोकिंग करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्मोकिंग की लत लग चुकी है, और उनमें भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको स्मोक करे बिना बाथरूम भी नहीं आता। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के भीतर आपको अलग अलग प्रकार की शारीरिक उत्तेजनाओं का अनुभव होगा। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपके शरीर में कितने समय बाद किन किन तरीकों का बदलाव आएगा। आपकी आखिरी सिगरेट पीने के 20 से 30 मिनट के अंदर आप अपने शरीर में बढ़ती ब्लड सर्कुलेशन का अनुभव करेंगे, और साथ ही में ब्लड प्रेशर का भी। cancer.org वेबसाइट बताती है कि आपकी नाड़ी का धबकना कम हो जाएगा और आपके हाथ और पैर गर्म होने शुरू हो जाएंगे। केवल 8 घंटे बाद आपके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। इससे अतिरिक्त cancer.org बताता है कि 12 घंटे के बाद आपके कार्बन मोनोऑक्साइड खून के स्तर में सामान्य गिरावट आएगी। धूम्रपान न करने के 2 दिन बाद आपकी इंद्रियों को गंध और स्वाद की परख करने में तेजी मिलेगी। सब कुछ पहले के मुकाबले सुगंधित और अधिक स्वादिष्ट लगने लगेगा, और शायद ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आखिरी सिगरेट के 3 दिन बाद आपकी ब्रोंकियल ट्यूबों को आराम मिलता है। इसका मतलब है कि आपके फेफड़े को अधिक आराम मिलेगा और पहले की तुलना में सांस लेने में आपको आसानी महसूस होगी। 2 से 3 वीक बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग जिम या योगा करते समय जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से उनमें कम सहन शक्ति होती है। लेकिन cancer.org के अनुसार स्मोकिंग छोड़ने के 2 या 3 सप्ताह के बाद आपके शरीर में धीरज और फेफड़े के फंक्शन बेहतर काम करेंगे और आपकी सहन शक्ति में बदलाव नजर आएगा। 1 साल से भी कम समय में आपके धूम्रपान छोड़ने के फायदे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऊपर बताए सारे फायदों के अलावा आपको खांसी और साइनस में कमी दिखाई देगी। cancer.org का कहना है कि आपके फेफड़ों में छोटे बाल सामान्य कार्य करेंगे और वे लार को साफ करने में और इन्फेक्शन को कम करने में सक्षम होंगे। आप अपनी एनर्जी में एक बड़ा झटका महसूस करेंगे। स्मोकिंग छोड़ने के 5 साल बाद आपके स्वास्थ्य में बड़े बड़े बदलाव होंगे, और ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिनको पहले स्मोकिंग की लत हुआ करती थी। cancer.org के अनुसार स्ट्रोक की संभावना उतनी ही रह जाएगी जितनी एक नॉन स्मोकर को होती है, और साथ में कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आप जानते हैं कि स्मोकर के फेफड़े को कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो यहाँ पर खुशी की बात यह है कि आखिरी सिगरेट पीने के 10 साल बाद फेफड़े का कैंसर होने की संभावना आधी हो जाएगी। 15 साल के बाद आपको हार्ट की बीमारियों का रिस्क और मौत का रिस्क उतना ही होगा जितना एक नॉन स्मोकर को होता है। तो इस तरह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आपसे भी ज्यादा आपके परिवार को खुशी मिलेगी। बस यही था आज का ज्ञान। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।